के रेट नींबू के क्या है? थोक मार्केट का रेट है था 900 रुपए का, 900 रुपए 5 किलो, 180 रुपए किलो, यहाँ 200 रुपए किलो हम बेच रहे हैं। अब ये समझ लीजिए, पहले झोला भरता था, अब झिल्ली भी नहीं भरती है। सब्जी तो महंगी है क्योंकि डीजल महंगा है, डीजल की वजह से सब्जी तो महंगी रहेंगी। भरा या ना भरा ले तो जाना है, जब खाना है तो ले जाना है। खाना तो है ही है, महंगाई हो चाहे आदमी पेट तो कहीं तक नहीं आएगा। दोस्तों नमस्कार, महंगाई के मुद्दे पे कोई नहीं बात करता, धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, अब नंबर है सब्जियों पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। धीरे धीरे सब्जियों के रेट में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका सीधा असर आम जनता की जेबों पर पड़ रहा है। लोग पहले आते थे झोला भर के सब्जी लेके जाते थे, लेकिन अब सिर्फ मुट्ठी भर सब्जी लेके अपने घर को जाते हैं। इन्हीं सब विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। क्या रेट है सर? नींबू का रेट क्या है? नींबू का रेट है 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो, इससे पहले कल का रेट क्या था? कितने साल से यहाँ पे सब्जी लगा रहे हैं? बस 15 दिन हुए हैं। 15 दिन हुए हैं। आज के रेट नींबू के क्या हैं? थोक मार्केट का रेट था 900 रुपए का, 900 रुपए 5 किलो, 180 रुपए किलो, यहाँ 200 रुपए किलो हम बेच रहे हैं। 200 रुपए किलो, मतलब पहले जनता आती थी भर के सब्जी ले जाती थी, अब क्या माहौल है बाजार का? अब ये समझ लीजिए, पहले झोला भरता था, अब झिल्ली भी नहीं भरती है, इतनी महंगाई है। पहले तो झोला भर जाता था, अब झिल्ली नहीं भर पाती है। कस्टमर कहता है बहुत महंगा है, अब हम लोग क्या करें, जैसा लाएंगे वैसा बेचेंगे। तो कस्टमर यहाँ से बाजार से मतलब निराश होके जाते हैं? बिल्कुल, जाएंगे तो वही है, जो जिसको एक किलो की ज़रूरत है वो आधा किलो ले जाता है, बस इतना हो। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए बिल्कुल सही बात अगले ने बोला है कि देखिए महंगाई है तो काम चलाने का काम है। इस टाइम हर इंसान को काम चलाना पड़ता है कि नहीं हम एक किलो नहीं लेंगे, पावर लेके देंगे। 10 रुपये किलो टमाटर बिकता था, आज 20 रुपये 30 रुपये किलो है, कल 30 में बिक रहा था, आज 20 में ही, तो ये जनता का बोझ तो पड़ेगा ही। दिन प्रतिदिन मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है? बढ़ती भी है। ये देखिए सब्जी का कारोबार ऐसा है कि आज अगर ज़्यादा आ गया तो सस्ता है, और कल नहीं आया तो वो दुगने दाम में है। ये बात यहाँ पे मेरे साथ कुछ और कस्टमर जुड़ चुके हैं जो बताएंगे मतलब क्या है। क्या नाम हुआ? मेरा फूलमती वर्मा। फूलमती वर्मा, क्या कैसा मतलब सब्जियाँ का माहौल है? सब्जी तो महंगी है क्योंकि डीजल महंगा है, डीजल की वजह से सब्जी तो महंगी रहेंगी। ऐसा मतलब क्यों? मतलब क्यों, डीजल महंगा है, मजदूरी भी महंगी है। हम लोग 250 रुपये देता है, 250 रुपये मजदूरी देते हैं गाँव पे, और डीजल की सिंचाई करते हैं, तो सब्जी जब महंगी हम ही बेचेंगे तो ये लोग कहाँ से सस्ती बेचेंगे। मतलब आने में जो डीजल लगता है उसकी वजह से सब्जियों के रेट बढ़े हैं? हाँ जी, हम लोग किसान हैं, किसान के घर से बोल रहे हैं। आप लोग किसान जी? किसानी है, हमारा गांव पड़ता है विकासखंड डेलिया, ग्राम सिमरहन जी। ये लोग हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे, और मेरे हाथ में आप ये हरी सब्जी देख रहे होंगे जिसका नाम है शिमला मिर्च, आज इसके रेट क्या हैं? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो आज। और इससे पहले क्या रेट हुए करते थे? इससे पहले अभी बीच में बिक हुआ है 100 रुपए किलो। बीच में मतलब 100 रुपए पार कर चुका है। और आज के रेट मतलब कम है? आज 60 में। और बाकी सब्जियों की बात करें तो सबसे महंगी है, सबसे महंगा नींबू है। बस सबसे महंगा मतलब नींबू है? हाँ, आज भी 900 रुपये थोक में बिका रहा है, यहाँ तो 200 रुपये किलो है। थोक नहीं, 900 रुपये पसेरी, यहाँ फुटकर 200 रुपये किलो, महंगा ना है।
यहाँ पे एक भाई साहब दो झोला लेके आए हैं और ये दो झोले में भर के सब्जी लेके जाएंगे। भरके का लेके जो भरके ले जाना है, जितनी यूज करना है उतनी तो ले जाना है। तो मतलब दिए तो आप दो झोले लेके आए हैं, इनसे मतलब पूरा भर जाएगा? कितनी महंगाई में भरा या ना भरा ले तो जाना है, जब खाना है तो ले जाना है, खाना है तो ले जाना है। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो है ये है, क्या करें, महंगाई तो है ये है, महंगाई है तो क्या करियो भैया, जब महंगाई है खाना है ले तो जाना है, चाहे जैसे ले जाओ, चाहे जितनी महंगी हो जाए खाना है तो ले जाना है, ले तो जाना है, जब जीना है तो ले जाना है, खाना है तो ले जाना है, समझो। अभी आपने भिंडी खरीदी है, क्या रेट मिली आपको? उनको 15 की 250। 15 की 250 मतलब 60 रुपये किलो जी। तो इतनी महंगाई मतलब हो रही है, क्या इस पे कहेंगे आप? अब इसमें हम क्या कहें भैया, महंगाई मोदी साहब ने बढ़ाया है, अब सबकी गरीबों की सहायता करते हैं, अब महंगाई बढ़ा तो कोई उसमें रोक टोक तो लगा नहीं सकता। बात तो मतलब पहले आप झोला भर के ले जाती थी, अब मतलब कैसा लग रहा है पहले के मुकाबले? अब क्या बहुत बुरा लग रहा है, खाना तो पड़ेगा ही, खाना तो है ही है, महंगाई हो चाहे आदमी पेट तो कहीं रख नहीं आएगा। आज के रेट नींबू के क्या है? थोक मार्केट का रेट था 900 रुपये का, 900 रुपये 5 किलो, 180 रुपये किलो, यहाँ 200 रुपये किलो हम बेच रहे हैं। अब ये समझ लीजिए पहले झोला भरता था, अब झिल्ली भी नहीं भरती है। सब्जी तो महंगी है क्योंकि डीजल महंगा है, डीजल की वजह से सब्जी तो महंगी रहेंगी। भरा या ना भरा ले तो जाना, जब खाना है तो ले जाना है, खाना तो है ही है, महंगाई हो चाहे आदमी पेट तो कहीं रख नहीं आएगा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।